पूर्व प्रधान रविशंकर सिंह के गांव पहुंचे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल, गजरे के माला से किया गया स्वागत। जिला मिर्जापुर ग्राम अगरसंड मानिकपुर पूर्व प्रधान रविशंकर सिंह के यहां पहुंचे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल, कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने किया गजरे के माले से स्वागत। वहीं कार्यकर्ता व ग्रामीणों से बातचीत करते हुए डॉक्टर आर एस पटेल ने बताया, हम लोग सरदार सेना के एक सच्चे सिपाही हैं और हर जिले में जाकर मजबूर और बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। उन्होंने बात बात में चाल और बहेलिया की भी कहानी बता दी। वहीं पर सभी कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हुए सरदार सेना की जय जयकार लगाई। आपको बता दें जिसमें कार्यकर्ता बहुत ही लगन के साथ उनकी बातों को सुनते रहे। कुछ कार्यकर्ताओं का नाम इस प्रकार बताया, रामाश्रय वकील अशोक सिंह, डब्लू सिंह, सोनू सिंह, राज सिंह, प्रमोद सिंह और प्रधान राणा प्रताप सिंह, निहाल वर्मा, रिकाबुद्दीन, जावेद खान प्रधान उर्फ राजू आदि कई लोग मौजूद रहे। जिला मिर्जापुर से मंडल ब्यूरो चीफ साले हसीन की खास रिपोर्ट। और जीत 23 को 23 बार जाने वाला है, शहीद दिवस कहा जाता है। और उसी दिन उस शख्सियत आंखें नम हो जाती हैं, दिल रोने लगता है, मन उदास फील करता है। कल्पना करिए जब उस महापुरुष ने फांसी के फंदे को चूमता है, मुस्कुराते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और बस एक ही बात कहते हैं, मेरा भारत कल भी आजाद था, आज भी आजाद है और कल भी आजाद रहेगा। बस दो सवाल है साथियों, आज के मीटिंग का मूल स्वरूप सिर्फ इतना है कि आजाद भगत सरदार भगत सिंह साहब सिर्फ इस सोच से फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं, हंसते हुए अपने गले में फांसी का फंदा खुद डाल लेते हैं और कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे देश की आज़ादी की इस मिट्टी में मेरे खून का एक एक कतरा समाहित होगा और वास्तव में मेरा देश आज़ाद होगा और वास्तव में इस देश में पुनः सोने की चिड़िया बनेगी। बस सवाल इतना है साथियों। पास पास सब